पुणे शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पुणे शहर की दुकानें दोपहर 4 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन हाथ गाड़ी और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले 4 बजे के बाद भी बंद नहीं करते हैं, वो शाम देर तक शुरू रहते हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। ये बात स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण में लाने के बाद पुलिस और प्रशासन को शहर दोपहर 4 बजे तक बंद होना ही चाहिए, ऐसा आदेश उप मुख्यमंत्री और पालक मंत्री अजित पवार ने दिया है। अजित पवार ने प्रशासन को आदेश देते हुए कहा, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करें। पुणे शहर प्रतिबंध कायम रखने की बात अजित पवार ने कही है। पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय में अजित पवार की उपस्थिति में कोरोना परिस्थितियों की समीक्षा की गयी। अजित पवार ने कहा कि पिछले सप्ताह में पुणे शहर का पॉजिटिविटी रेट 6.2 था, अब ये 6% पर आ गया है। दोनों ही वैक्सीनेशन के चरण पूरे हो चुके हैं, फिर भी कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही जिले की पर्यटन स्थल पर होने वाली भीड़ के प्रमाण बढ़े हैं। पर्यटन स्थल पर भीड़ करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लोगों ने आज भी मास्क पहनना जरूरी है। मुझे पुणे के लोगों और राज्य की जनता से ये कहना है कि आज कोरोना स्थिति को लेकर बैठक करते हुए एक बात सामने आई कि जिनका वैक्सीन का दोनों डोज हो चुका है उन्होंने मास्क का इस्तेमाल करना बंद किया और उनका निधन हो गया। सभी से मेरी विनती है और हमारे टास्क फोर्स और वैद्यकीय सलाहकारों का भी यही कहना है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। शाम 4 बजे के बाद दुकानें बंद रखने का आदेश है। दुकानें बंद होती हैं, लेकिन सड़कों पर ठेले लगना देर शाम तक शुरू रहते हैं, इसलिए मैंने पुलिस को आदेश दिए हैं कि 4 बजे के बाद सब कुछ बंद होना चाहिए और पर्यटन स्थल लोनावला सिंहगढ़ पर जो सैलानी भीड़ कर रहे हैं जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को पर्यटकों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे जिला, इन जगहों पर हमने 50 लाख तक वैक्सीनेशन का चरण पूरा कर लिया है, परंतु जिस प्रमाण में वैक्सीनेशन की आपूर्ति होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है, इसलिए वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। तीसरी लहर की तैयारी करने के साथ ही पुणे शहर में प्रतिबंध कायम रखने की जानकारी अजित पवार ने दी है। पुणे में क्या बंद क्या शुरू। मनपा के नए आदेश के अनुसार फिर से प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अति आवश्यक सेवा की सभी दुकानें दोपहर 4 बजे तक खुलेंगे, साथ ही अन्य दुकानें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 4 बजे तक खुलेंगे। मॉल, सिनेमा हॉल, नाट्य गृह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट सोमवार से शुक्रवार दोपहर 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दोपहर 4 बजे के बाद शनिवार व रविवार को रात 11 बजे तक पार्सल सेवा शुरू रहेंगे। सार्वजनिक जगह, उद्यान, खुले मैदान सिर्फ चलने व साइकिलिंग करने के लिए सप्ताह के सभी दिन सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही सुबह 5 बजे से 9 बजे तक आउटडोर खेल खेल सकते हैं। इसके अलावा जिम भी 5 दिन शुरू रहेंगे। ई कॉमर्स, कृषि संबंधी सेवा व्यवसाय शुरू रहेंगे। शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू और संचार बंदी लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, पुणे।